सिंथेटिक फाइबर्स का जो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जिसके बारे में हम आज जानेंगे वह है नायलॉन। इससे पहले हमने देखा था सिल्क के बारे में कि सिल्क कैसे बनता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं। तो अब एक ऐसा ही एक दूसरा जो सिंथेटिक फाइबर है वह है नायलॉन। और जैसा कि इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स भी हम कह सकते हैं कि टोटली मैन मेड है, पूरी तरह ये सिंथेटिक फाइबर है। इससे पहले जब हमने रियोन पढ़ा था तो रियोन में क्या था कि उसमें ऊट पल्प यानी कि ऊट सेल्लोज जो है वो मिलाया जाता था जो रियोन है, और तब उसमें जो है ऊट पल्प सेल्लोज में जो है जो केमिकल मिला करके केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको बनाया जाता था रियोन को, तो इसलिए फुल्ली सिंथेटिक उसको हम नहीं कहते हैं। जो रियोन है वो सेमी सिंथेटिक उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि जो नायलॉन है वो कैसे बनता है और वो किस तरह से एक सिंथेटिक फाइबर है और क्या उसके उपयोग होते हैं, इसमें हम इस बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले नायलॉन, इसका जैसा कि नाम है अभी आपको बाद में ये जानने को मिला कि मिलेगा कि इसको नायलॉन क्यों कहा जाता है। तो ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड इसको हम सीधे कह सकते हैं। और जो फाइबर है, फाइबर एक एक इकाई यानी कि एक इकाई जिसको हम बोलते हैं उसको हम मोनो यानी कि एकल, जैसे कि सपोज करो कि एक कोई हम जैसे चेन बनाते हैं चेन, तो ये एक इकाई है, किसी चेन को बनाने के लिए एक इकाई है, ये भी सिंगल इकाई है, सिंगल यूनिट है, ये भी सिंगल यूनिट है, तो ये अलग अपने आप में मोनो कहलाएगा, ये भी मोनो, ये भी मोनो। अब यदि हम इनको मिला दें, एक यूनिट में दूसरी यूनिट हम डाल दें, तो ये देखो मिल रहा है, तो ये पॉली हो गया, पॉली पॉली, तो ये मोनो ये पॉली। अब हम रेशो में बात करें या फाइबर में बात करें, यदि वो एक सिंगल फाइबर है तो मोनो, और एक फाइबर से दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर और फाइबर मिला के इस तरह से ये बनाया जाता है, तो ये पॉली हो गया। तो इसको हम बहुत सारे फाइबर मिलके बन रहा है तो पॉली हो गया, ठीक है। और दो शब्द हैं, एक तो मोनोमर बोलते हैं, एम ओ एन ओ एम ई आर, तो मोनो का मतलब हो गया यूनिट, सिंगल, सिंगल सिंगल का मतलब एक, और मर का मतलब हो गया यूनिट यानी कि एक यूनिट, तो मोनोमर यानी कि ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर। और पॉली का मतलब हो गया पॉली माने कई, बहुत सारे, और मर का मतलब यूनिट, कई सारे यूनिट जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। तो ये फाइबर में भी होता है, तो पॉलीमर सब आप समझ गए होंगे कि पॉलीमर का मतलब जो रेशे होते हैं, एक रेशा, दो रेशा, तीन रेशे, और जो सिंगल यूनिट होती है रेशे सिंगल, उनको मिला के हम पॉलीमर, बहुत सारे रेशे मिला के तैयार करते हैं, जैसे तागा बनता है थ्रेड, तो पॉलीमर है, तो इस तरह से वो पॉलीमर कहलाता है, यानी कि कई यूनिट से वो मिलके बना होता है। अब हम नायलॉन फाइबर के बारे में जानते हैं। तो फाइबर जो है हमारा वो ऐसे ही बनता है, फाइबर कई यूनिट से मिलके बना होता है, जो फाइबर होता है फाइबर को मिला के एक फाइबर से जो है, फाइबर बेसिकली एक रेशा है, वो कई यूनिट से यदि हम उसको मिला देते हैं, कई यूनिट से मिला देते हैं, तो एक चेन का या रूप या ले लेता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, फिर उसके बाद पॉलीमर ये कहलाता है। तो नायलॉन फाइबर कैसे बनता है, देखिए ये है, अब देखिए जैसे कॉटन जो फाइबर बना था, कपास का या सिल्क का, कॉटन फाइबर आपने देखा होगा कि एक रुई देखी होगी, खासतौर पर यदि आप सिंपल सा बताएं, तो उसमें बारीक बारीक क्या कहते हैं ये रेशे होते हैं, बारीक बारीक, जिनको कि हम फाइबर बोल रहे हैं, बारीक बारीक। तो कॉटन चूंकि वो जो है नेचुरल है, तो प्रकृति में पाया जाता है, कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, तो आपने देखे होंगे छोटे 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 रेशे होते हैं, रेशे पॉली जिसको हम जो है क्या बोले थे, मोनोमर, वो रेशे होते हैं। अब वो तो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में बना है। तो जो नायलॉन होता है, नायलॉन का फाइबर कैसे बनाया जाता है, नायलॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है, ये एक्चुअली बनता है एक एमाइड ग्रुप का एक केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ एमाइड ग्रुप का। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं यानी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है,
कोल तार है या अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं जो कि धरती के हमको अंडरग्राउंड मिलते हैं, धरती के अंदर मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ होते हैं। तो जब अंडरग्राउंड मिलते हैं, जब पेट्रोलियम पदार्थ हमारे पास आते हैं, तो ये केवल पेट्रोल डीजल ये ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये मिक्स रूप में प्राप्त होते हैं, मिक्स रूप में मिलते हैं, जिनको हम रिफाइन करके कुछ पेट्रोल बना निकलता है या किसी से डीजल निकलता है या मिट्टी का तेल निकल रहा है, टर्पेंटाइन नहीं, मिट्टी का तेल, और इस तरह से कुछ तो ये निकलते हैं और कुछ उसमें जो हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनसे कि अन्य पदार्थ भी निकलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, और जो रासायनिक रूप में होते हैं, ठीक है। तो जो रासायनिक रूप में होते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पेट्रोलियम पदार्थों से निकलते हैं और ये सब अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत भूमि के अंदर से निकलते हैं। तो वैसे ही कोई एक कुछ पदार्थ होते हैं जो एमाइड ग्रुप हम कहलाते हैं, एमाइड ग्रुप के होते हैं, ये अभी आप अगली कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एमाइड ग्रुप के होते हैं। अब पॉली माने बहुत सारे, एमाइड माने एमाइड ग्रुप के, यानी कि एमाइड ग्रुप के जो ये रासायनिक जो पदार्थ है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसके रेशे बनाए जाते हैं, और उससे बहुत सारे रेशों के मिलके जब वो बनाया जाता है तो उसको पॉलीमाइड हम बोलते हैं, पॉलीमाइड। तो जो पॉलिस्टर हो, जो नायलॉन हो गया, वो एक तरह का पॉलीमाइड, उसको हम बोलते हैं। अब समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ है वो कहाँ कहाँ निकलता है, वो धरती के अंदर से निकलता है, कुएँ होते हैं पेट्रोल के, आपने सुने होंगे, डीजल के, वहाँ से निकलता है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ है एक्चुअल में मिक्स निकलता है, इसको रिफाइन किया जाता है जिससे पेट्रोल अलग किया जाता है, और कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल कहते हैं, और उन्हीं से जो है जो पॉलीमाइड, उन्हीं में से कुछ पदार्थ जो है एमाइड ग्रुप के होते हैं, जिनसे कि हम बाद में क्या बना देते हैं, पॉलीमाइड बना देते हैं, कि रेशे बना के उन रेशों को मिलाया जाता है। तो जैसे पॉलिस्टर हम पॉलीमर हम बोल रहे थे, तो वो पॉलीमाइड हो गया, क्योंकि उसमें एमाइड ग्रुप जुड़ रहा है, यानी कि ऐसा पेट्रोलियम पदार्थ जुड़ रहा है जो एमाइड ग्रुप का है, और उसको हम पॉलीमाइड बोलते हैं। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया है H2O, पानी का, आपने पानी का संकेत आपको पता है कि पानी H2O बोलते हैं। अब क्या होता है, उसमें एक अणु तो हाइड्रोजन का होता है और दो ऑक्सीजन को, और जब इनको मिला देते हैं तो एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है जिसको H2O बोल देते हैं, पानी बोल देते हैं। तो ऐसी ही ये पॉलीएमाइड होता है, और है ये पेट्रोलियम पदार्थ, तो इससे ये नायलॉन बनाया जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि नायलॉन कैसे बनता है। अब ये पेट्रोलियम पदार्थ से रेशे बना के और उसको चेन के रूप में, पॉलीमर के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम पॉलीएमाइड कहते हैं। अब चूंकि ये सबसे पहले कहाँ, नायलॉन दो शब्दों से बना है, देखो N, इसकी स्पेलिंग आप देखिए NYLON, इसमें दो शहरों के नाम है, N से जो है NY से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क शहर है, और LON से लंदन। तो सबसे पहले जो है फर्स्टली जो है फुली सिंथेटिक फाइबर कहाँ तैयार किया गया था, न्यूयॉर्क और लंदन में, इसलिए इसको नायलॉन बोला जाता है। न्यूयॉर्क से NY से न्यूयॉर्क शहर है, और लंदन दूसरा जो LON है उससे लंदन शहर है। तो इन दो शहरों में सबसे पहले इसको जो है तैयार किया गया था, इसको हम नायलॉन बोलते हैं, अन्यथा ये पॉलीएमाइड ये है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और जानते हैं इसके बारे में। अब इसकी जो बाकी चीज़, तो इतना आप इसको समझ गए होंगे कि नायलॉन कैसे बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर है, फुली सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके जो गुण हैं वो क्या हैं। एक तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे वो होता है स्ट्रॉन्ग, ये सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपने देखा होगा जो ये नायलॉन होता है, नायलॉन की आपने बहुत बनी हुई बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, एक इसका एक गुण है। और लाइट वेट होता है, दूसरा होता है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब हल्का, कि जैसे इसका जो कपड़ा जो होता है, या जो कपड़ा हम बनाते हैं वो बहुत हल्का होता है। इसके अलावा इसकी एक जो है अगला जो एक इसकी प्रॉपर्टीज है वो है कि एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, मतलब बहुत कम पानी ये
सोखता है, जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, तो ये बहुत कम पानी ये नायलॉन सोखता है। जो नायलॉन का बना हुआ कपड़ा होगा या अन्य चीज़ें होंगी, वो अभी उस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसकी बनती हैं। उसके बाद है अगला होता है ये रिंकल रेसिस्टेंस। रिंकल जानते होंगे आप, जिसको हम सिलवट बोलते हैं, सिलवट, ठीक है। रेसिस्टेंट होता है, रिंकल रेसिस्टेंट का मतलब इसमें जो सिलवटें होती हैं वो बहुत कम आती हैं नायलॉन में, या प्रेस हम करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से इसकी यदि सिलवट इसमें आई भी होंगी तो वो हट जाती हैं। तो ये जो हैं इसकी कुछ क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं इसके। और बहुत कम जो है घिसता है, टियर रेसिस्टेंट भी है, ये जल्दी नहीं घिसता है, चमक बनी रहती है इसमें, है ना। तो ये नायलॉन के कुछ गुण हैं। अब इसका यूज क्या होता है नायलॉन का, जो नायलॉन के रेसे जो बनाए गए थे इसका जो यूज होता है, क्या क्या बनाते हैं हम, जैसे क्लोदिंग, क्लोदिंग माने कपड़े, कपड़े इसके बनाए जाते हैं। और उसके अलावा पर्दे, कर्टेंस, पर्दे बनते हैं। उसके अलावा इसके क्या बनते हैं, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग इसके बनाए जाते हैं। स्लीपिंग बैग आपने देखा होगा, सुना, टेंट बनते हैं, टेंट से बनाए जाते हैं। रोप, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, रोप से बनते हैं। और इसके जो गाड़ियों में जो सीट बेल्ट होते हैं, सीट बेल्ट्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत हम आज के समय में कह सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें नायलॉन से बनाई जाती हैं कि जो बहुत सस्ती भी होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं और बहुत आसानी से हमें अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो ये नायलॉन की कुछ चीज़ें थी। अब देखिए आप कि इनके फ़ायदे भी देखिए, जैसे क्लोदिंग जो कपड़े होते हैं तो क्या क्या इसके अनुसार क्या होगा, कि जैसे जो नायलॉन की विशेषता है कि यदि हम इसको धोएंगे तो बहुत पानी कम पानी एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी सूख भी जाएगा। और जो पर्दे होते हैं उनकी चमक बहुत देर तक बनी रहेगी, बहुत समय तक बनी रहेगी, है नहीं। स्लीपिंग बैग होते हैं उनके अंदर, वो भी जो है क्योंकि ये एक तरह से एयर रेसिस्टेंस का काम भी करता है, यानी कि बहुत कुछ हद तक, यानी कि इसके अंदर कुछ हवा, एयर टाइट जिसको हम बोल सकते हैं, हवा भी कम इसके अंदर प्रवेश करती है। तो इसके जो है टेंट्स बनाए जाते हैं, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं, रोप से बनाए जाते हैं, मोजे, सॉक्स और स्वेटर्स कई बार ये बनाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नायलॉन की बनाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैनमेड है, आर्टिफिशियल रूप से केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है नायलॉन। तो अगला जो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो जानेंगे प्लास्टिक के बारे में, ठीक है।